हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हमेशा की तरह आज भी हम लोग आपके सामने एक नए टॉपिक के सामने के साथ प्रेजेंट हुए हैं। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। इससे पहले वाली वीडियो में वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज गुडविल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुडविल एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ द गुडविल। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी लेट्स वी स्टडीज विच फैक्टर अफेक्ट दी वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ एनी बिजनेस, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिन फैक्टर के थ्रू हम अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है व्हाट इज़ अ गुडविल पावर ऑफ एक्वायरिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सो द पावर ऑफ एक्वायरिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट इट इज़ नोन एज गुडविल। तो हाउ वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ एनी बिजनेस, लेट्स वी डिस्कस विच फैक्टर इफेक्ट और इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ एनी बिजनेस ऑफ फॉर्म। सो द नंबर वन फर्स्ट फैक्टर इज फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। यू नो वेरी वेल लोकेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी बिजनेस। अगर बिजनेस एक अच्छी जगह पे होता है, उसका लोकेशन फेवरेबल होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जब कस्टमर ईजली वहाँ पहुँच पाते हैं तो वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती है, और जब सेलिंग ज़्यादा होती है तो बिज़नेस को प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है। एंड यू नो वेरी वेल पावर ऑफ एक्वायरिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट तभी कर पाएंगे जब हमारी एक्स्ट्रा सेल होगी, जब कस्टमर ईजली हम शॉप के पास पहुँच पाएंगे। ओके, द सेकेंड इज इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। You know where what is the meaning of efficiency? Completing the job on time with optimum utilization of resources. जब कोई management अपने task को time पे complete करता है as well as optimum utilization of resources, यानी जो resources है उसका अच्छे ढंग से use करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे business की goodwill increase होती है, क्योंकि वहाँ cost of the goods and services will be declined, so company earn more and more profit as compared to the other business. Now we will move to the third factor. The third factor is the longevity of the business. जैसा आप जानते हैं, अगर जो business जितना पुराना होता जाता है वहाँ पर customer की जो trust होते हैं वो और भी बढ़ते जाते हैं। Business का trust, business पर customer का trust तभी बढ़ता है जब उस business जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है। You know very well कि जितनी पुरानी चीज़ होती है वो उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, उतना ही ज़्यादा ट्रस्टेबल होती है। सो अगर एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेस की बात करें तो बिज़नेस की लॉन्गविटी इफ़ेक्ट करती है कस्टमर के साइकोलॉजी पे। सो यू नो वेरी वेल कि ओल्डर बिजनेस बेटर नोन इट्स टू इज़ अ कस्टमर, सो इट इज़ लाइकली टू हैव अ मोर गुडविल। नंबर फोर, नेचर ऑफ द गुड्स। If a business deal in goods of daily use, it will have a steady profit as the demand for these goods will be stable. Such business will have the more goodwill, but if it deals in fancy goods, its profit will be uncertain and such value of the goodwill will be less. अगर हम comparison करें daily use की goods के लिए जो हमारी necessity है, तो जाहिर सी बात है उस business की, उस product and services की demand ज़्यादा होगी as compared to the fancy goods, जो goods की demand हमेशा नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के कारण रहती है, या कह सकते हो विच आर डिपेंड ऑन द अनसर्टेन फैक्टर्स कि ये होगा तभी इसकी डिमांड होगी। सो अगर हम बात करें कि जो फैंसी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड एज कम्पेयर टू द नेसेसिटी गुड्स से कम होती है, सो दैट्स वाई नेचर ऑफ द गुड्स विल डिसाइड कि गुडविल किस फर्म की ज़्यादा होगी और किस फर्म की कम होगी। नंबर फिफ्थ, पोजिशन ऑफ लाइसेंस। If a firm holds an import license, the goodwill of the firm will more be as it's very difficult for other person to enter this business in the absence of this license. License की बात करें तो license मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी business को करने के लिए क्या होते हैं as compared to the other business, हमारे पास एक license होता है, या कह सकते हो एक हमारे पास एक restriction नहीं होता है कि हम उस काम को नहीं कर सकते, जिसे हम लोग कहते हैं मना ही नहीं होती है। तो अगर हमारे पास लाइसेंस के हम साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कस्टमर का हमारे पर ट्रस्ट भी बनता है, और अदर बिजनेसमैन विदाउट लाइसेंस इस बिज़नेस को कर नहीं पाते हैं, जिससे हम उस बिज़नेस में मोनोपोली रहते हैं और अकेले ही प्रॉफिट को इन्जॉय करते हैं। नंबर सिक्स, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। इफ़ अ बिजनेस इन्जॉय मोनोपोली मार्केट, इट विल हैव एश्योर्ड प्रॉफिट। सिमिलरली इफ़ इट होल्ड सम स्पेशल राइट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड कंसेशन, इट विल हैव अ मोर गुडविल। इफ मीन्स अगर कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई अनोखा चीज़ होता है जिसका वो ट्रेडमार्क करा ले, कॉपीराइट करा ले, पेटेंट करा ले, तो जाहिर सी बात है एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेस उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। नंबर सेवन,
risk involved. If there is a more risk involved in the business, the value of the goodwill will be less. You know, profit is the reward of risk. Agar jitna hamara risk jyada hota hai, utni hame profit jyada hoti hai. Lekin risk jyada hone se kabhi kabhi hamare business ki goodwill kam bhi ho jati hai. Kyunki zaruri nahi hai ki risk hame hamesha fayda kare. To ye jo risk involved 7th point hai, ye bhi kafi important hota hai ki ek businessman kitne value mein risk le raha hai. Number 8 is a trend of profit. ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर कोई बिज़नेस लगातार प्रॉफिट कर रहा है तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिक विल बी इंक्रीज. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को ही हम लोग गुडविल कहते हैं. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देते हैं. सपोज बाटा एंड अदर अदर प्रोडक्ट जो होते हैं, अगर वो अपने जूते को बनाते हैं तो कॉस्ट लगभग सिमिलर आती है. थोड़ा महंगा होता है बाटे के शूज़ जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर लोकल प्रोडक्ट के कंपैरिजन. लेकिन बाटा उसी जूते की प्राइस ज़्यादा लगाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर, क्योंकि उसे पता है कि बिजनेसमैन जो कॉस्ट कस्टमर है, बिजनेसमैन को ये पता होता है कि कस्टमर है वो उतना पे करने के लिए रेडी रहेंगे. सो ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट भी दिखाता है कि अगर बिजनेसमैन पे कस्टमर का ज़्यादा बिलीव है, उस ब्रांड पे ज़्यादा बिलीव है, तो गुडविल विल बी इंक्रीज. क्योंकि गुड प्रॉफिट लगातार होना ये बताता है कि आपकी मार्केट में गुडविल है. नंबर 9 इज अ फ्यूचर कॉम्पिटिशन. द लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन फ्यूचर वुड डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल. अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं जिसका मार्केट में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, सो जाहिर सी बात है हमारे मार्केट में गुडविल कम होगी, क्योंकि वो गुडविल शेयर करेंगे हम दूसरों के साथ. जैसे सिर्फ एक समय था कि जब BSNL की सिम काफ़ी डिमांडेड थी, लोग कितने दिन पहले उसके लिए रिजर्वेशन कराते थे लाइक टिकट्स, और तब जाकर उनको नंबर अलॉट होता था. आज देखो कम्युनिकेशन सेक्टर में इतनी सारी सिम आ गई, इतने सारे नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण बिजनेस की जो BSNL की जो गुडविल है विल बी डिक्लाइन. क्योंकि जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा हम अपनी गुडविल को दूसरों के साथ शेयर करेंगे. एंड नंबर 10 इज कैपिटल रिक्वायर्ड. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल. इफ टू बिजनेस एंटरप्राइज अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट द बिजनेस विल लेजर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल. देखिए एक बिजनेस की गुडविल इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हम उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किए हैं. अगर दो बिजनेसमैन हैं जो कि सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट दोनों में से किसी कंपनी की कैपिटल कम है, तो जो बंदा कम कैपिटल लगाया है वो उसकी गुडविल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर. अगर हम 100,000 रुपये लगाकर 10,000 रुपये की प्रॉफिट कमा रहे हैं, वही दूसरा बंदा 150,000 रुपये लगाकर 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसने कम कैपिटल लगाई है उसकी मार्केट में गुडविल है. सो ये जो 10 के 10 फैक्टर हैं, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइडिंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ एनी फर्म एंड बिजनेस. सो कोई भी बिजनेसमैन अपनी गुडविल को बिल्ड करने के लिए इन सारे फैक्टर को काफ़ी डीपली स्टडी करता है और उन पर वर्क करता है ताकि उसकी बिजनेस की गुडविल विल बी इंक्रीज हो. एंड कुछ अदर फैक्टर्स हैं लाइक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स. एक जो गुड इंडस्ट्रियल यानी एक बिजनेस का दूसरे इंडस्ट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, ताकि अगर किसी गुड्स की कमी हो तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें. फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फेवरेबल हो हमारे साथ, हमारी गुडविल इंक्रीज होती है. स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, अगर देश में पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल रहती है तो भी बिजनेस की गुडविल विल इंक्रीज होती है, क्योंकि नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसका एटीट्यूड क्या होगा ये हमें श्योर नहीं होता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, हम अगर इनोवेशन ला रहे हैं तो हमारी गुडविल इंक्रीज़ होती है. इफेक्टिव एडवर्टाइज टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलरिटी, आज तो ये वेपन है गुडविल इंक्रीज़ करने का. अगर आप एक अच्छे ढंग से एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं तो रातों रात आपका प्रोडक्ट की गुडविल इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि लाइन लग जाती है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. पॉपुलरिटी और प्रोडक्ट नर्म्स ऑफ क्वालिटी, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपकी प्राइस मायने नहीं रखती है, तो जाहिर सी बात है कि उस प्रोडक्ट की गुडविल विल इंक्रीज़ होगी ही होगी. सो मुझे लगता है कि ये जितने हम लोगों ने 10 हेडिंग पॉइंट्स एंड 6 सब हेडिंग पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि विच फैक्टर इफेक्ट द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ एनी बिजनेस एंड इंडस्ट्री. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू आस्क मी, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अकाउंटेंसी एज वेल एज फॉर द बिजनेस स्टडीज टॉपिक एंड फॉर अदर थिंग्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अदर एग्जामिनेशन में भी इस चीज़ों को पूछा जा सकता है. सो अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूछिएगा. सो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.